भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर सद्भावना दिवस मनाते हुए हिसार के सेक्टर 14 ग्राउंड में आयोजित विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में उमड़े जनसैलाब ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन किया। इस दौरान पूरे पंडाल में कहीं पैर रखने तक की जगह नहीं बची। कार्यक्रम स्थल की तरफ आने वाली सारी सड़कें जाम दिखाई दी। पूरा हिसार कांग्रेस में नजर आया। जितने लोग पंडाल में मौजूद थे उससे कहीं ज्यादा लोग पंडाल के बाहर सड़कों पर मौजूद रहे। सुबह से ही लोग ढोल नगाड़ों के साथ सभा स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए थे। भारी भीड़ से उत्साहित नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज इस जन समुद्र के जोश और समर्थन को देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब तक हम विपक्ष थे, अब विकल्प हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हरियाणा के 9 लोकसभा क्षेत्र में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो चुका है। हर कार्यक्रम में उमड़े जन सैलाब ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब मैंने और उदयभान ने तय किया है कि इस साल के अंत तक प्रदेश के सभी 90 विधानसभा हलकों का दौरा करेंगे। इसके अलावा हर जिले में जन मिलन कार्यक्रम भी चलता रहेगा। वहाँ उपस्थित जन सैलाब को देख कर हुड्डा ने नया नारा दिया, भाजपा जजपा भगाओ, कांग्रेस सरकार लाओ। आज विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर 2 दर्जन से ज्यादा पार्टी विधायक पूर्व मंत्री पूर्व विधायक सांसद पूर्व सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेतागण कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस महिला कांग्रेस यूथ कांग्रेस NSUI समेत सभी संगठनों के नेता भारी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने संबोधन में हुड्डा ने कहा कि 2014 में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश कानून व्यवस्था नौकरी देने में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार और कर्जे में नंबर 1 पर पहुंच गया है। महंगाई आसमान छू रही है। आज हर वर्ग मौजूदा सरकार से विमुख हो चुका है। स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दफ्तर में कर्मचारी नहीं, थानों में पुलिस नहीं। कौशल रोजगार निगम युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रहा है। पंचायत चुनाव के बाद जब छोटी सरकार बनी तो पंचकुला में सरपंचों को ही लाठियों से पीट दिया। कहीं आशा वर्कर, कहीं मनरेगा मजदूर, कहीं मुआवजे के लिए किसान, तो कहीं कोई और वर्ग, चारों तरफ लोग धरनों पर बैठे हैं। उन्होंने वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के समय कराए गए विकास कार्यों को याद दिलाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने रेल रोड एयरपोर्ट से लेकर पावर प्लांट स्कूल विश्वविद्यालय स्वास्थ्य से जुड़े अनेकों विकास कार्य कराए। हिसार को केंद्र सरकार से काउंट मैग्नेट टाउन मंजूर करवाया। मौजूदा बीजेपी JJP सरकार ने एक भी नया काम किया हो तो बताएं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हमने जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर करवाया उसे बनवाना तो दूर, ये सरकार हिसार में डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी शुरू नहीं करा पाई। हुड्डा ने कहा कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। फिर यह भी बताया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद वे क्या करेंगे। सबसे पहले परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फैमिली ID के तमाशे को खत्म करेंगे। कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे। हर परिवार की गृहिणी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। दलितों पिछड़ों को 100-100 गज के प्लाट देंगे। बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। कैश कला बोर्ड, माटी कला बोर्ड की तर्ज पर हाथ से हाथ काम करने वाले BCA वर्ग के कारीगरों के लिए विश्वकर्मा कारीगर बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें हाथ के कारीगरों को कर्ज लेने पर 5% से ज्यादा ब्याज नहीं देना होगा। युवाओं के लिए 2 लाख पक्की नौकरी और रोजगार देंगे। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। किसान को कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्ति तक लेकर जाएंगे और MSP गारंटी देंगे। गरीब परिवारों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री माफ करेंगे। इतनी भीड़ देखकर और यहाँ पर जो सामने खड़े हैं, मैं तो रास्ते से आया हूँ, चारों तरफ कई कई किलोमीटर के जाम लगे हुए हैं, लोग पहुंच भी नहीं सकते इससे कई गुना। भाई मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, जो आपसे उम्मीद थी उससे ज्यादा मेरी झोली में आपने डाल दिया आज हिसार वालों ने। बहुत और इसी प्रकार से जो मेरे कर्मचारी भाई हैं जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और उनकी जगह जगह बैठे हैं पुरानी पेंशन लागू करने के लिए OPS, सरकार आएगी पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला करेंगे हम पुरानी लागू करेंगे।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की आंधी आ चुकी है और भाजपा जसपा गठबंधन आने वाले चुनाव में सिंगल डिजिट तक सिमटने जा रहा है। उन्होंने भाजपा द्वारा किए गए वायदों की याद दिलाते हुए कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, हर साल 2 करोड़ नौकरी, 100 दिन में महंगाई कम करना, 100 दिन में काला धन लाकर हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख देने, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज का सफर जैसे वादे किए गए थे। भाजपा के लोग जनता को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में कैग ने भाजपा के साथ घोटालों को पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना में जमकर धांधली हुई है, मरे हुए लोगों का फर्जी इलाज कर दिया गया। हरियाणा में 4121 आयुष्मान कार्ड फर्जी हैं, उनके नाम से पैसे निकाले गए। भारतमाला प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की बजाय 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के रेट पर सड़क बनाई गई। उन्होंने प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार को बताना होगा HPSC SSSC के पर्चे क्यों लीक हुए, भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न क्यों रिपीट हुए, हरियाणा में करीब 2 लाख पद खाली क्यों हैं, प्रदेश में बेतहाशा महंगाई क्यों है। केंद्र सरकार की योजना में गरीबों के लिए 1,32,000 मकान आए थे, उसे क्यों सरेंडर किया गया। पीपी के नाम पर 10 लाख गरीब परिवारों के राशन कार्ड काटने, 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का जो महापाप इस सरकार ने किया है, उसका हिसाब आने वाले चुनाव में हरियाणा की जनता चुन चुन कर करेगी। अपने संबोधन की शुरुआत सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देकर की। इस दौरान पूरा पंडाल राजीव गांधी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड गर्मी और रिकॉर्ड उमस में इतनी बड़ी हाजिरी बता रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार के पहलू हैं 4 बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अहंकार। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में जनता ने 3 संकल्प लिए, पहला बीजेपी के अहंकार को तोड़ेंगे, दूसरा जेजेपी के विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से देंगे, तीसरा जिस सरकार ने हरियाणा वासियों को इतना अपमान किया, हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया, उसे सत्ता से बाहर करने का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और विश्वासघात इस सरकार के जनक हैं। विपक्ष आपके समक्ष की कामयाबी देखकर घबराई सरकार ने जनसंवाद कार्यक्रम चालू किया, लेकिन इस सरकार ने जनसंवाद नहीं जन अपमान शुरू कर दिया। इस सरकार ने बीते 9.5 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया है। जो हरियाणा 2014 तक विकास की दर के मामले में पहले नंबर पर था, आज विकास दर में 17वें पायदान पर है। इस सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी में 1 पर पहुँच दिया है। उन्होंने कहा कि हर घर में नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी के कारण युवा नशे के चुगल में फंस रहे हैं। इस सरकार ने पक्की भर्तियों को कौशल निगम के माध्यम से कच्चे में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान अपना घर बार बेचकर विदेशों की तरफ अपना भविष्य देख रहे हैं। जो प्रदेश गरीब कल्याण में 1 हुआ करता था, उस प्रदेश को महंगाई में 1 बना दिया है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सिलेंडर, बच्चों की फीस ने आम लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय प्रदेश भर में 14 विश्वविद्यालय, 2300 नए स्कूल स्थापित किए गए, जिसमें से 2 विश्वविद्यालय हिसार में खोले गए थे। इस सरकार ने करीब 5000 स्कूल बंद कर दिए। बच्चों को अपने स्कूल बचाने के लिए धरने पर बैठना पड़ा। किसी भी प्रदेश का विकास कनेक्टिविटी से जुड़ा होता है। रोहतक से डबवाड़ी तक 4 लेन कराया, रोहतक महमहासी रेल लाइन मंजूर कराई, एयरपोर्ट मंजूर कराया, खैदड़ में 1200 मेगावाट क्षमता का राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया। उन्होंने सवाल किया कि 9 साल में इस सरकार ने कोई नया काम कराया हो तो बताएं। उन्होंने आगे कहा कि आज इलाज कराना भी गरीब आदमी के पहुंच से बाहर हो गया है। मेडिकल शिक्षा गरीब के बच्चे की पहुंच से बाहर हो गई। मेडिकल फीस बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई, जिसके खिलाफ विद्यार्थियों को धरने पर बैठना पड़ा, जो प्रदेश खिलाड़ियों के सम्मान में सबसे आगे रहता था। 750 पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी दी गई थी, लेकिन इस सरकार ने न्याय मांग रही खिलाड़ी बेटियों को सड़क पर घसीट घसीट कर अपमानित किया। और जब हरियाणा की बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा था, तब केंद्र वाले भी चुप थे और खट्टर साहब भी मौन सादे बैठे रहे। जाम, चारों तरफ जाम। और पहले जब मैं 10 बजे के करीब हम आए, तो उस समय मैयर तक था और बाद में हासी तक। ऐसी रिकॉर्ड गर्मी में
और रिकॉर्ड उमस में आपकी रिकॉर्ड हाजिरी कुछ बता रही है। जिनको जो समझना है वो समझ लो, ये हरियाणा में बदलाव की आज आपने, और ये अग्नि परीक्षा, ये आपने अग्नि परीक्षा दी है। और मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं, अपने सभी साथियों का इस बात के लिए बधाई देता हूं। इस साल का सबसे ठंडा दिन जनवरी 6 को पानीपत में रिकॉर्ड बना था, और इस बात का सबसे उमस और गर्म दिन आज हिसार के अंदर उस रिकॉर्ड को तोड़ने का आपने काम किया। कि अभी जितने आप पहुंचे हो यहां, आप अंदाजा लगा लेना, जितने आप पहुंचे हो उससे कई गुना अभी पहुंच नहीं पाए, ये आपको भी पता है, हमें पता है। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि जब हम इनसे लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, सत्ता से लड़ रहे हैं, इनके पास बहुत कुछ है। इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, इनके पास चंडीगढ़ में भी सरकार है, इनके पास बीजेपी भी है, इनके पास जेजेपी भी है। दो दो पार्टियां हैं, दो दो सरकार है, सत्ता बल है, धन बल है, मीडिया बल भी इनके पास है। हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है और आपका दिया हुआ हौसला, और उस बात पर लड़ रहे हैं और उस हौसले से लड़ रहे हैं और आपके आशीर्वाद से लड़ रहे हैं। आज 9-9.5 साल के बाद हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, हरियाणा प्रदेश के भविष्य को चौपट करने वाली सरकार से लड़ रहे हैं। ये वो सरकार है जो 2014 में जब आई थी, देश में विकास दर के मामले में हरियाणा देश में नंबर एक हुआ करता था। आज विकास दर के मामले में हरियाणा 17वें पायदान पे पहुंचा दिया इस खट्टर सरकार ने। जब यह सरकार आई उस समय केवल विकास दर ही नहीं, विकास से जुड़े हुए बहुत से मापदंडों में, निवेश दर में देश में नंबर एक पे था 2012-13 में, सबसे ज्यादा निवेश, इन्वेस्टमेंट। आज की रिपोर्ट है, आरबीआई की रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में, कि निवेश दर में हरियाणा देश में सबसे पीछे, कितने दुर्भाग्य की बात है। रोजगार सृजन में देश में सबसे आगे था हरियाणा, आज बेरोजगारी में खट्टर सरकार ने हरियाणा को देश में नंबर एक अगर बनाने का काम किया, तो बेरोजगारी में हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। ना निवेश हुआ, ना इन्वेस्टमेंट हुआ, ना निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार, ना सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी या तो समाप्त कर दी गई, जो बची वो कच्ची कर दी गई, या कौशल निगम के माध्यम से, अग्निपथ के माध्यम से। और उसके बावजूद कोई अगर भर्ती निकली तो या तो एचपीएससी एसएससी की भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई, या ले देकर कोई लिस्ट आई तो हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा दूसरे प्रदेशों का नौजवानों का नंबर हरियाणा के लिस्टों में आया, जैसे कि हरियाणा के नौजवानों में प्रतिभा ही नहीं। और आज देश में बेरोजगारी में देश में नंबर एक, और जब बेरोजगारी होती है तो कहीं नशे की चिंता, आज देश में नशे में हरियाणा को ऊपर पहुंचा दिया इन्होंने। कहीं अपराध की चिंता, कहीं घर बार अपना सब कुछ बेच के विदेशों की तरफ हमारा नौजवान अपना भविष्य खोज रहा है। जहां जिन शहरों के अंदर कोचिंग सेंटर हुआ करते थे, आज उन शहरों में कोचिंग सेंटर से ज्यादा विदेश में भेजने के एलईटी केंद्र बन गए हैं। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारी जब गए पंचकुला में, आपके ऊपर लाठीचार्ज करके अहंकार दिलाया, कांग्रेस की सरकार आते ही आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम लागू करने का काम करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, इस बात की लड़ाई है, इस बात की लड़ाई है। तो भाई आज हम 3 संकल्प लेते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। पहला संकल्प कि इनके अहंकार को, पहला संकल्प कि बीजेपी के अहंकार को, इनके घमंड को तोड़ेंगे। इनके अहंकार को तोड़ोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके इनके घमंड को तोड़ो। दूसरा संकल्प, जेजेपी के विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से, विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से देंगे। देंगे कि नहीं देंगे, एक बार हाथ खड़े करके। और भाई तीसरा संकल्प, उसमें मैं भी शामिल हूं। मुझे पता है, अभी कह रहे थे जयप्रकाश जी कि हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 14 बीजेपी के। और ये कह रहे थे कि जब किसान आंदोलन में बोलता था मुझको निशाने पे लेते थे। मुझे पता है ये लोग मुझको निशाने पे लेते हैं, मुझे पता है इनकी आंख में मैं रड़कता हूं। मैं पिछला लोकसभा चुनाव जब लड़ रहा था तो कितनी बार प्रधानमंत्री आए रोहतक, मुख्यमंत्री सारे दिन, कितने, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे पता है
कि मैं इनके निशाने पे रहता हूँ। पिछला लोकसभा चुनाव था तो निशाने पे था, किसान आंदोलन में जब संसद में खड़ा होता था तो सारी बीजेपी जो जिस तरीके से निशाने पे लेती थी, महिला खिलाड़ी आंदोलन में बैठे तो देश की सारी बीजेपी, यूपी के सारे सांसदों ने, हरियाणा हरियाणा नहीं, जिस तरीके से मेरे को निशाने पे लिया मेरा दिल जानता है। लेकिन फिर भी मैं एक संकल्प आपके साथ मिलकर लेना चाहता हूँ। मैं हो सकता है इनके निशाने पे हूँ लेकिन ये भी मेरे निशाने पे हैं, और जब तक ऐसी सरकार जिसने हरियाणा वासियों का इतना अपमान किया हो, हरियाणा के विकास का इतना नुकसान किया हो, हरियाणा के नौजवान को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और गरीब को महंगाई दी हो, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, ये सरकार जब तक हरियाणा से, हरियाणा की सत्ता से बाहर नहीं होगी, आप अगर साथ दें तो दिन और रात मेहनत करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप साथ हैं? आप साथ देंगे? आप साथ देंगे तो दिन और रात मेहनत करेंगे। आज नौवा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है, 9 लोकसभा हो गई तो लगभग 1 रोहतक लोकसभा बची है, बाकी सारे हो गए। अब अगला प्रोग्राम तो हुड्डा साहब और उदयमान जी अगला प्रोग्राम हमें बताएंगे, लेकिन मैं खुद का भी आने वाले समय में कैसे मेहनत करूंगा, अगर आपका साथ हो तो आने वाले समय में मैं भी कोई ना कोई प्रोग्राम निर्धारित करके और पूरे हरियाणा के अंदर भाई अब एक बात बताओ, आपका भाई आपके साथ में, आपके आशीर्वाद में आप कोई कसर तो नहीं दिखाओगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र जी। भाई जितने लोग पंडाल में हैं, और जिस नारे से शुरू करा था उसी नारे से एक बार सभी, क्योंकि आज हम अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी राजीव जी को याद करते हैं, जिनकी सोच थी 21वीं सदी में हिंदुस्तान आगे जाए और दुनिया में एक विश्व शक्ति के रूप में, नौजवान मुल्क के रूप में आगे आए। राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी। जगत महान न्यूज के लिए हिसार से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।